तो गाइस अगर तुम एक नॉन जायरो प्लेयर हो ना तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भाई देखो कमेंट सेक्शन में ना हमेशा मुझसे लोग बोलते थे यार तुम जायरो वालों के लिए तो टिप्स एंड ट्रिक्स दे देते हो, लेकिन हम जो नॉन जायरो प्लेयर्स है ना भाई उनके लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर से बता दिया करो। तो गाइस फाइनली द वेट इज ओवर ये वाली वीडियो होने वाली है, जहां पे मैं तुम्हें टॉप 5 नॉन जायरो वाली टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, एंड इनसे भाई तुम्हें चिकन डिनर लेने में ना बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, नॉन जायरो यूजर्स की मैं बात कर रहा हूं। बाकी शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस अब देखो नॉन जायरो जो प्लेयर्स है ना उनके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, जो सबसे पहले उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो होता है एक रिकॉइल कंट्रोल करना। अब गाइस देखो जो जायरो प्लेयर्स है ना उनके लिए तो भाई एकदम इजी होता है, लाइक हर जायरो प्लेयर अच्छे से रिकॉइल कंट्रोल कर सकता है अगर उसके पास थोड़ी सी सेंसी वगैरह ठीक है, लेकिन जो नॉन जायरो प्लेयर्स है ना उनके सामने भाई काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। बट भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना भाई, म्यूटो यहाँ पे बैठा है तुम्हें बताएगा कि तुम नॉन जायरो पे कैसे रिकॉइल अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। गाइस देखो अगर तुम जायरो प्लेयर होते हो ना तो तुम्हारे लिए अगर एक दो चीजें नहीं भी होंगी ना तो भी तुम रिकॉइल कंट्रोल कर लोगे। सपोज करो तुम्हारी गन में अटैचमेंट्स अच्छी नहीं है या फिर अटैचमेंट्स है ही नहीं, तो भी भाई तुम रिकॉइल कंट्रोल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट गाइस जब भी बात आती है नॉन जायरो प्लेयर्स की तो वहां पे भाई छोटी छोटी चीजें भी है ना बहुत ज्यादा मैटर करती है, तुम्हें एक अच्छी सी ग्रिप चाहिए रहेगी। सबसे जो पहली स्टेप है ना वो होती है एक अच्छी सेंसिटिविटी का होना, एंड अगर तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है तुमने तो डेफिनेटली तुम्हारे पास एक अच्छी सेंसी तो अभी तक आई गई होगी। तो नेक्स्ट जो स्टेप आती है ना वो होता है एक अच्छी सी ग्रिप चूज करना। अब जो नॉन जायरो प्लेयर्स है ना भाई उनके लिए सबसे बेस्ट ग्रिप मैं बताऊं ना अगर, तो उनमें आ जाती है हमारी वर्टिकल ग्रिप एंड हमारी हाफ ग्रिप। ये दोनों ग्रिप है ना भाई नॉन जायरो यूजर्स के लिए बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि देखो जो हाफ ग्रिप है ना भाई उसकी जो रिकॉइल कंट्रोल की जो रिकवरी है ना भाई वो बहुत ज्यादा अच्छी है, लाइक तुम्हें अच्छा सा फीडबैक देगी जब भी तुम रिकॉइल कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो अच्छा काम करती है वहां पे एज कम्पेयर टू अदर ग्रिप्स। लेकिन हमारी जो वर्टिकल ग्रिप है ना भाई इसके नाम में देखो इसका काम छुपा हुआ है, वर्टिकल रिकॉइल को अच्छे से कम कर लेती है। देखो बैरल में 6-6 चलाना है तुम्हें या फिर तुम्हें M4 का लेजर स्प्रे मारना है तो देखो वर्टिकल ग्रिप भी बढ़िया रहती है, हाफ ग्रिप भी तुम यूज कर सकते हो। गाइस छोटी मोटी चीजें और बता देता हूँ, तो जब भी तुम स्प्रे मार रहे हो ना भाई तो ट्राई करो कि क्राउच एंड पीक करके मारो, क्योंकि वहां पे जो रिकॉइल है ना वो बहुत ज्यादा ही कम हो जाता है, एंड इसको भाई जो जायरो प्लेयर्स है ना वो भी फॉलो कर सकते हैं, एंड पर्सनली भाई मैं हमेशा इस चीज को फॉलो करता हूँ। तो गाइस मैं हमेशा देखता हूँ कि जितने भी प्लेयर्स है ना भाई जो नॉन जायरो खेलते हैं उनकी क्लोज रेंज है ना उन्हें लगता है कि वीक होती है, कि नॉन जायरो पे हमारी क्लोज रेंज अच्छी नहीं हो सकती, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन गाइस टू बी ऑनेस्ट भाई मुझे है ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि जितने भी मैंने नॉन जायरो प्लेयर्स के साथ आज तक है ना खेला है ना 1v1 वगैरह, तो लिटरली गाइस मैं हमेशा शॉक रह जाता हूँ, क्योंकि यार काफी ज्यादा प्लेयर्स ऐसे है ना जो नॉन जायरो पे भी उनकी क्लोज रेंज ऐसी होती है ना कि भाई वो जायरो प्लेयर्स वालों को भी बहुत तगड़ा मारते हैं। तो भाई ऐसा तुम कैसे कर सकते हो अगर तुम एक नॉन जायरो प्लेयर हो, तो भाई देखो सिंपल सी चीजें फॉलो करनी है तुम्हें। अब देखो गाइस जैसे तुम्हें एनिमी दिखता है ना बस उसके हेड लेवल पे तुम्हें एम रख देना है, बाकी काम तुम्हारा जिगल कर देगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम फोन कितना भी हिला लो तुम्हारा एम तो हिलने वाला है नहीं, बिकॉज तुम एक नॉन जायरो प्लेयर हो। तो जायरो प्लेयर्स के साथ ऐसा नहीं होता है, जब भी वो फोन हिलाते हैं उनका एम भी बिगड़ जाता है, तो नॉन जायरो प्लेयर्स के भाई ये कहना बहुत ज्यादा अच्छी चीज हो जाती है। तो जैसे ही तुम अपने एम को हेड लेवल्स पे रख दोगे ना बस तुम्हें जिगल करना है, बाकी काम भाई अपने आप हो जाएगा। एंड सपोज करो तुम्हारे पास AKM जैसी गन है ना भाई, लिटरली बंदे को पता नहीं चलेगा कि वो कब मर गया। तो जितनी भी बार मैंने ऐसा टेस्टिंग के लिए नॉन जायरो खेला है ना भाई ये चीज मैं हमेशा नोटिस करता था, इसलिए तुम्हें मैंने आज ये बता दिया। ओके गाइस तो देखो क्लोज रेंज की बात कर ही रहे ना, तो एक और चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम एक नॉन जायरो प्लेयर हो ना तो भाई क्लोज रेंज में ना मिड रेंज वाली फाइट ज्यादा लिया करो, जहां पे बंदा तुमसे थोड़ा सा ज्यादा दूर हो, हिप फायर तुम्हें मारना है तो वहां पे भाई तुम्हारे जो जीतने की चांसेस ना वो बहुत ज्यादा रहेंगे। तो गाइस एग्जांपल के लिए तुम यहाँ पे अब टारगेट को देख सकते हो, 30 मीटर दूर है अपन से ये टारगेट, लेकिन यहाँ पे जो एक जायरो प्लेयर है ना वो सोचेगा तक नहीं कि यार यहाँ पे मैं हिप फायर से बंदे को मार लूं, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी ना बहुत ज्यादा कम रहती है। लेकिन जो जायरो प्लेयर्स है ना भाई उनकी गोली आराम से कनेक्ट हो जाती है इतनी दूर तक, या फिर अगर तुम नॉन जायरो छोड़ के कम सेंसी वाले बंदे भी हो ना तो भी तुम ये चीज ट्राई कर सकते हो, एंड आराम से तुम मिड रेंज में बंदे को मार दोगे, तो ये चीज तुम जरूर से फॉलो कर सकते हो। तो गाइस अभी थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज की बात कर लेते हैं कि अगर तुम एक नॉन जायरो प्लेयर हो ना तो तुम्हें कैसे फाइट्स में इंगेज करना है। गाइस सबसे पहली चीज तुम्हें है ना भाई क्लोज रेंज में ज्यादा फाइट्स लेनी है, जैसा कि मैंने बताया कि नॉन जायरो प्लेयर्स की क्लोज रेंज ना काफी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिस या तो अच्छे से नहीं करते हैं या फिर वो शायद म्यूटू के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखते हैं। तो अभी तुमने कर रखा है ना तो भाई तुम्हारा गेम प्ले ना मस्त हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो हाँ ये चीज तुम फॉलो कर सकते हो कि क्लोज रेंज वाली जो फाइट्स है ना वो ज्यादा तुम लो हमेशा, क्योंकि लॉन्ग में है ना भाई तुम्हें पता है कि नॉन जायरो का डिसएडवांटेज ही होता है, स्प्रेज इतने ज्यादा अच्छे नहीं जाते, एक्यूरेसी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया क्लोज रेंज में है ना भाई तुम आराम से ना बंदों को बीट कर सकते हो, इवन जो जायरो प्लेयर्स है ना उनको भी।
एंड अगर सेकंड चीज की बात करें तो गाइस कभी भी है ना दो तीन बंदों में तुम्हें नहीं घुसना है, क्योंकि जो जायरो प्लेयर्स है ना वो यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि अगर वो एक से फाइट ले रहे हैं, अचानक से दूसरा बंदा मारता है ना, तो फट से फोन घुमा के वो अपने एम को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जायरो प्लेयर्स के लिए चीज है ना थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, वहाँ पे ना इतनी जल्दी है ना हम रिफ्लेक्स में बंदे को मार नहीं पाते हैं। तो तुम्हें ट्राई करना है कि तुम ज्यादा है ना 1v1s पे फोकस करो। तुम्हें पता है सामने एक बंदा है, घुस जाओ, मस्त तुम मार दोगे इजीली। एंड गाइस मैक्सिमम है ना तुम दो बंदों के अंदर आराम से घुस सकते हो, कोई भी ज्यादा दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। क्योंकि बंदे अगर साथ में आ रहे ना तो भाई तुम इजीली मार दोगे, लेकिन अलग अलग एंगल पे बैठे ना तब तुम्हें प्रॉब्लम होगी। बाकी तीन चार बंदों के अंदर तो भाई घुसना कभी भी नहीं है। वैसे जायरो प्लेयर्स को भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि मैं एक जायरो प्लेयर हूँ तो मुझे पता है कि हाँ यार जायरो पे क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। तो इसीलिए ना गाइस नॉन जायरो प्लेयर हो ना अगर, तो बस 1v1s पे ज्यादा फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा 1v2 करने की कोशिश करो। अगेन गाइस अगर तुम एक नॉन जायरो प्लेयर हो तो इन्हीं छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके तुम आराम से चिकन डिनर ले सकते हो। एंड अगर तुम चाहते हो कि भाई नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए मैं और भी वीडियोस बनाऊं, तो भाई कमेंट सेक्शन में भाई पावर दिखा देना अपनी। जितने भी नॉन जायरो प्लेयर्स है ना सब भाई लाइक करो वीडियो को, या फिर कमेंट कर सकते हो, या फिर भाई हार्ट स्पैम कर देना व्हाइट कलर के, मैं समझ जाऊंगा कि कितनी ज्यादा जो है यहाँ पे नॉन जायरो प्लेयर्स है। तो गाइज मुझे लगेगा ना अगर कि यार बहुत सारे प्लेयर्स है नॉन जायरो वाले भी अपने, तो भाई डेफिनेटली टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस तुम्हारे लिए भी आएंगी, एंड तुम्हें भी जो है अपने गेम प्ले को इंप्रूव करने का मौका मिल पाएगा। बाकी अगर तुम्हें लगता है ना गाइस तुम्हारी इस वीडियो से हेल्प हुई है, तो डेफिनेटली भाई लाइक वाले बटन को दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही और टिप्स एंड ट्रिक्स वाली एंड गेम प्ले वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।